एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स। आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। बात करते हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका हाई टीआरपी रेटेड सीरियल तेरी मेरी डोरियों की। तो गाइस, शो के अपकमिंग ट्रैक में आपको नजर आने वाला है कि कैसे लाइब्रेरी में बैठकर साहिबा रो रही होगी और तभी अंगद को वो बहुत ही ज्यादा याद भी करेगी और तभी यहां पर मौके का फायदा उठा करके उससे अपने प्यार का इजहार कर देने वाला है रूमी यानी कि मिर्जा, और वहाँ पर होगा शो की कहानी में एक नया मोड़। दरअसल शो के अपकमिंग ट्विस्ट में दिखाया जाएगा कि साहिबा तो अपने गम में काफ़ी ज़्यादा परेशान है ही, लेकिन जिस तरीके से रूमी यहाँ पर देखेगा साहिबा को अकेला, वो उठाएगा मौके का फ़ायदा और वो साहिबा से अपने दिल की बात कहने वाला है, जिसके ज़रिए यहाँ पर होने वाला है नया बवाल। सोर्सेस की माने तो रूमी चुपचाप आएगा साहिबा के करीब, अंधेरे का फ़ायदा उठाएगा लाइब्रेरी में और वो कहने वाला है उससे अपने दिल की बात। सोर्सेस की माने तो यहाँ पर साहिबा पहले तो बहुत ज़्यादा डरी सहमी नज़र आएगी, वो बहुत ज़्यादा डरेगी, लेकिन फिर वो कह देने वाली है रूमी से साफ साफ कि वो हमेशा अंगद से प्यार करती है, अंगद से ही प्यार करेगी। और साहिबा की बात सुनकर रूमी को आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और वो गुस्से में साहिबा को सबक सिखाने की बात करता हुआ नज़र आएगा। लेटेस्ट आ रही अपडेट्स की माने तो साहिबा बुरी तरीके से बेहोश हो जाएगी और वैसे ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल आपको साहिबा का होते हुए नज़र आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो रूमी उसे प्यार का इजहार करने के लिए काफ़ी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। साहिबा उसका प्रपोजल मानने से इनकार कर देगी तब वो साहिबा की वाट लगाने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि लाइब्रेरी से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, जिसे सुनकर गार्ड भी घबरा जाएगा और वो जैसे ही अंदर साहिबा को चेक करने जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा, क्योंकि साहिबा वहाँ पर बेहोश पड़ी होगी और सारा सामान लाइब्रेरी का इधर उधर बिखरा होगा, जिसे देखकर वो फटाफट से साहिबा की डायरी निकालने वाला है और वहाँ पर सबसे पहला नंबर मिलाएगा जो कि होगा अंगद का, यानी कि गार्ड का कॉल जाने वाला है अंगद के पास, जो उसे बताएगा कि साहिबा मैडम यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, फिर पता नहीं अचानक से साहब आवाज़ आने लग गई और वो बहुत बुरे हाल में हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, लगता है उन पर किसी ने खतरनाक हमला किया है। अंगद ये बात सुनकर बिना सोचे यहाँ पर भागता हुआ आएगा और साहिबा के हॉस्टल में, और साहिबा को देख कर बहुत ही ज़्यादा उसे अपने आप पर गिल्ट होने वाली है। वो सोचेगा कि मुझे पता था कि साहिबा का अकेला रहना सेफ नहीं है, फिर भी मैंने उसे अकेले रहने दिया। साहिबा की जान बचाने के लिए अंगद यहाँ पर अब करता हुआ नज़र आएगा बहुत बड़ा फैसला, जिसके बाद डेफिनेटली सबकी ज़िंदगी में आएगा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।